हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अब तो पढ़ाई आपने बहुत जोरों शोरों से करनी शुरू कर दी होगी। एडमिट कार्ड आ चुके हैं आपके, एग्जाम डेट आपके सामने है। किस दिन आपका एग्जाम है, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर एक सेशन में 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चंस 50 से बढ़कर 80 क्वेश्चंस हो जाएं, है ना, क्योंकि एग्जाम में 80 क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि हम 50 ही रहने दें तो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर 50 क्वेश्चंस ही डिस्कस करिए। अगर आप चाहते हैं कि 50 क्वेश्चन से बढ़ाकर 80 क्वेश्चन कर दिए जाएं तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें आप बता दीजिएगा। यानी दो चीजें आप बताइएगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को है, किस शिफ्ट में है, और दूसरी बात आपको यह बतानी है कि क्वेश्चंस 50 ही रहने दें, बेस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, या 80 कर दें क्वेश्चंस को। ठीक, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग फिर से बात करेंगे बीपीएससी 3.0, 4.0 और एस्टेट लेवल के कंप्यूटर क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जैक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम लोग जानते हैं एग्जाम का लेवल कैसा है, इजी है, मॉडरेट है या टफ है। तो आप कहेंगे कि सर कुछ क्वेश्चंस तो बहुत आसान आते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के आते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज के सेशन में आपको ये तीनों लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न के बिल्कुल करीब होंगे। 50 में से कितना स्कोर आपको करना है, कोशिश करिएगा 50 में से 50 स्कोर करने की, कम से कम 45 प्लस स्कोर तो करें क्योंकि एग्जाम के बेहद करीब है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही करेंगे, जो गलत किया है उनको सही से समझेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन के साथ। वो कैंडिडेट्स जो बीपीएससी और एस्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो कैंडिडेट्स जो कि चाहते हैं कि बीपीएससी 4.0 की तैयारी अभी से शुरू करें, आने वाले एस्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी अभी से शुरू करें, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस के साथ हर एक टॉपिक को कवर करें, थ्योरी वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, फिर टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करें, जितने भी टॉपिक हैं उन सबको, और साथ ही साथ जितना भी अपडेट है वो आपको मिलता रहे, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा लेटेस्ट कोर्स बीपीएससी एस्टेट 2024 वाले कोर्स से। फुल कंप्यूटर का कोर्स यहां पर आपको देखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ और मॉक टेस्ट के साथ में। वैलिडिटी कितनी रहेगी, 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर लेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, जिस पर डायरेक्टली क्लिक करके आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर इस कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग, किसी भी डाउट के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है आपकी, कोई कंफ्यूजन है आपको, तो आपके सपोर्ट के लिए यहां पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है जो कि मेरा पर्सनल नंबर है, तो आप यहां से डायरेक्टली हमसे अपनी बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। प्रीवियस वाले सेशन में हम लोगों ने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन क्या था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता ही आता है। क्वेश्चन क्या था, डैश इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट मे वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। डैश दो नेटवर्क को जोड़ने के मार्ग हैं जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम कर सकते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में आपको डिफरेंट नेटवर्किंग, डिफरेंट टोपोलॉजीज, डिफरेंट प्रोटोकॉल जैसे शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे टर्म्स देखने को मिलेंगे। तो अगर ऐसे टर्म मिले जिसमें डिफरेंट दिया हो तो आंसर क्या होगा, और आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया, दैट इज गेटवे। हम लोग सब जानते हैं कि डिफरेंट नेटवर्किंग, डिफरेंट प्रोटोकॉल, डिफरेंट टोपोलॉजीज की जब भी बात होगी तो आंसर क्या होगा, गेटवे। वही मैंने आपसे यह भी पूछा था कि अगर सेम नेटवर्किंग, सेम टोपोलॉजी, सेम प्रोटोकॉल्स की बात होगी तो आंसर क्या होगा, तो इस केस में सही आंसर होगा ब्रिज या फिर राउटर, डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। अगर ऑप्शन में ब्रिज है तो ब्रिज लगा दीजिएगा, ऑप्शन में राउटर है तो राउटर लगा दीजिएगा। पहला प्रेफरेंस किसको देंगे, ब्रिज को, और दूसरा प्रेफरेंस किसको देंगे, राउटर को,
इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। कब? जब सेम नेटवर्क, सेम टोपोलॉजीज और सेम प्रोटोकॉल की बात हो रही होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा, पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द एक्सप्रेशन डब्ल्यू एक्स प्लस वाई जेड कैन बी कन्वर्टेड टू एसओपी फॉर्म बाई अप्लाइंग विच लॉ। अभिव्यक्ति डब्ल्यू एक्स प्लस वाई जेड को किस कानून को लागू करके एसओपी फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है? हमारे पास एक ही तरीका है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, और ब्रैकेट को ओपन करने पर हमें क्या मिलेगा? डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई जेड। डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई जेड ये हमें मिल रहा है। क्या ये एसओपी है? जी हाँ। और ये किस तरीके का है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम क्या करते हैं, सिर्फ जो ब्रैकेट होते हैं उसको ओपन कर देते हैं। यहीं पर यही तो कह रहा है। तो अगर हमने ब्रैकेट ओपन किया तो क्या ये एसओपी फॉर्म मिला? जी हाँ, ये एसओपी है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, जहां पर आपको पहले प्रोडक्ट मिल रहा है और फिर बीच में प्लस का साइन मिल रहा है। तो ये क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट है। और ये है क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट, अप्लाई डी मॉर्गन्स थ्योरम टू द एक्सप्रेशन दिस वी गेट। कह रहा है डी मॉर्गन्स की प्रमेय को अभिव्यक्ति ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल बार पर लागू करने पर हमें क्या मिलता है? डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलती है? डी मॉर्गन्स थ्योरम ये कहती है कि अगर प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन कर दीजिए, अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस का साइन कर दीजिए। इसका मतलब जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा? ए बार मल्टीप्लाई बी बार मल्टीप्लाई सी बार मल्टीप्लाई डी बार, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। क्या ये बात समझ में आई? तो डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई करने पर क्या होगा? प्लस का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, द ट्रुथ टेबल फॉर द एसओपी एक्सप्रेशन ए बी प्लस बी बार सी हैज हाउ मेनी इनपुट कॉम्बिनेशंस। बूलियन एलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एसओपी अभिव्यक्ति यानी सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ए बी प्लस बी बार सी के लिए सत्य तालिका यानी ट्रुथ टेबल में कितने इनपुट कॉम्बिनेशंस यानी कितने इनपुट संयोजन मिलेंगे? हम लोग जानते हैं कि इनपुट कॉम्बिनेशंस को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, जितने वेरिएबल्स हैं उनको 2 की पावर में लिख दीजिए। वेरिएबल्स कितने हैं? ए बी और सी। इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स का प्रयोग हुआ है? 3 वेरिएबल्स का, ए बी और सी का। तो वेरिएबल्स 3 हैं तो आंसर क्या होगा? 2 to the power n यानी 2 की पावर 3 इनपुट कॉम्बिनेशंस, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 8, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 8। किसका है वेट? क्या सही आया है आप सभी का आंसर? दैट इज 8। वेरिएबल्स कितने थे? 3, ए बी सी। इनपुट कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 2 की पावर n, जहां n की वैल्यू क्या है? 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8। क्लियर? वेरी गुड। बूलियन एलजेब्रा डील्स विद वेरिएबल्स दैट कैन हैव। कह रहा है बूलियन बीजगणित उन चरों से संबंधित है जो हो सकता है क्या? बूलियन एलजेब्रा में कितनी चीजें काम करती हैं? 2 discrete values, 3 discrete values, 4 discrete values, 5 discrete values, या none of these? या आता है बताएंगे नहीं? बिल्कुल सही। बूलियन का मतलब ही क्या होता है? 0, 1, ऑन ऑफ, ट्रू और फॉल्स। तो बूलियन एलजेब्रा का मतलब 2 discrete values। तो आंसर क्या बनेगा? 2 discrete values, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश गेट गिव्स ट्रू आउटपुट ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर ट्रू। कह रहा है ऐसा कौन सा गेट है जो तभी सही आउटपुट देता है जब दोनों इनपुट सही हो? मतलब गिव ट्रू आउटपुट, ट्रू का मतलब होता है 1। ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर ट्रू, जब दोनों इनपुट 1 हैं तो आउटपुट भी 1 आएगा। ये कौन सा गेट बोलता है? 1 1 1, एंड द आंसर इज एंड गेट।
अगर आपने एंड गेट के बारे में अच्छे से पढ़ा हो तो आप जानते होंगे इसके ट्रुथ टेबल में इनपुट किस तरीके से करते हैं। अगर 1 1 है तो आउटपुट क्या आएगा 1, एल्स 0, 0 0 0, 0 1 0, 1 0 0 और 1 1 के केस में 1। यही तो कह रहा था कि ऐसा कौन सा गेट है जिसमें आउटपुट ट्रू होगा, यानी आउटपुट 1 होगा जब दोनों इनपुट्स ट्रू हैं, जब दोनों इनपुट 1 है। तो आंसर क्या है? एंड गेट। नेक्स्ट, डैश गेट गिव्स अ ट्रू आउटपुट व्हेन एटलीस्ट 1 आउटपुट इज ट्रू, एटलीस्ट 1 आउटपुट इज ट्रू। कह रहा है ऐसा कौन सा गेट है दैट गिव्स अ ट्रू आउटपुट, जो आपको 1 नंबर देगा। कब? जब इनपुट में कोई एक आपका क्या है, व्हेन गेट गिव्स अ ट्रू आउटपुट व्हेन एटलीस्ट 1 आउटपुट इज ट्रू, एक इनपुट आपका ट्रू होना चाहिए, है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इनपुट की बात हो रही है, यानी बात हो रही है और गेट की। और गेट में क्या होता है जरा ध्यान से समझिए। कह रहा है और गेट में क्या होगा, अगर कहीं पर भी आपका क्या है 1 है तो हमेशा आउटपुट क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। देख लीजिए 0 1 1, 1 0 1, 1 1 1। तो कह रहा है डैश गेट गिव्स अ ट्रू आउटपुट, ट्रू आउटपुट मतलब 1, व्हेन एट लीस्ट 1 इनपुट इज ट्रू, है ना। आउटपुट नहीं होगा यहां पर, क्या होगा, इनपुट होगा। जब एक इनपुट ट्रू है, एक इनपुट ट्रू का मतलब 1, अगर 1 कहीं पर भी मिल जाएगा इनपुट में तो आउटपुट क्या आएगा 1, और ये किस केस में होगा, आंसर है और गेट। तो क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, एटलीस्ट 1 इनपुट इज ट्रू, ये होगा क्वेश्चन में, तभी आपका और गेट बनेगा। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज अ सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट। कह रहा है ऐसा कौन सा गेट है जहां पर इनपुट सिंगल होता है और आउटपुट भी सिंगल होता है। हम जानते हैं इस गेट को नॉट गेट बोलते हैं, क्योंकि नॉट गेट एकमात्र ऐसा गेट है जिसमें इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 हो जाएगा, आउटपुट 1 होगा यानी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड नॉट गेट, 0 1 1 0। नेक्स्ट, द गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर गेट। कह रहा है किस गेट को इन्वर्टर गेट के नाम से भी जानते हैं, इस गेट को इन्वर्टर गेट के नाम से जानते हैं। द आंसर इज नॉट गेट, नॉट भी बोल सकते हैं और इन्वर्टर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी शोज द डैश ऑपरेशन। कह रहा है अभिव्यक्ति y बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किस ऑपरेशन को दर्शाती है। सबसे पहले a मल्टीप्लाई बाई बी है, मल्टीप्लाई का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहां चला जाएगा बाद में, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी एसओपी इज द राइट आंसर। ये क्या है, क्या सम हुआ है प्रोडक्ट्स का? जी हां, यही तो कह रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट। इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे पहले देख लीजिएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कहां चला जाएगा बाद में, मल्टीप्लाई का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहां चला गया बाद में, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट। अगर वहीं इसका उल्टा होता, ये होता द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में b प्लस सी ब्रैकेट में c प्लस ए शोज द डैश ऑपरेशन, ये कौन सा ऑपरेशन है? तो आपने कहा सर स्टार्टिंग में तुरंत क्या मिल रहा है, प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, सम, तो सम कहां चला जाएगा बाद में, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम इज द राइट आंसर, यानी सेकेंड इज द राइट। अब समझ में आ गया, तो ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ सम और ये है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट। कंफ्यूज मत होना, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा जो कि बिल्कुल आसान है, और हो सकता है ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं, है ना, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। नेक्स्ट, कन्वर्ट एसओपी एक्सप्रेशन टू मीन टर्म एंड मैक्स टर्म। कंफर्म ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन का, बूलियन अलजेब्रा में ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो इस बार लिख के ले लो, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या है ये क्वेश्चन, क्या रहे एसओपी एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, इस एक्सप्रेशन को मिन टर्म और मैक्स टर्म में कन्वर्ट करिए, यानी इस एक्सप्रेशन से
आपको क्या निकालना है, न्यूनतम अवधि और अधिकतम अवधि, यानी मिन टर्म और मैक्स टर्म आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत सरल है, एक बार अच्छे से समझ लो कर लेंगे। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। कैसे आया, आइए बात करते हैं। हमको क्या गिवेन है, एसओपी एक्सप्रेशन गिवेन है, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन गिवेन है, और इस एक्सप्रेशन की मदद से हमें क्या निकालना है, मिन टर्म और मैक्स टर्म। हम जानते हैं कि एसओपी को क्या बोला जाता है, मिन टर्म, और मिन टर्म का मतलब क्या होता है कि ए बी सी की वैल्यू 1 होगी और ए बार बी बार और सी बार की वैल्यू 0 होगी। तो जहां पर भी ए बी सी गिवेन है वहां पर 1 लिख दीजिए, जहां पर भी ए बार बी बार सी बार गिवेन है वहां 0 लिख दीजिए। सबसे पहला पॉइंट। तो अब इस एक्सप्रेशन को पहले लिखते हैं, यह है एक्सप्रेशन जो हमें गिवेन है। अब यहां पर बार वाले केस में क्या लिखेंगे, 0, और बिना बार वाले केस में क्या लिखेंगे, 1। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बार की जगह पर 0, बी बार की जगह पर 0, सी बार की जगह पर 0, ए बार की जगह पर 0, बी की जगह पर 1 और सी बार की जगह पर 0, ए बार की जगह पर 0, बी सी की जगह पर 1 1, ए की जगह पर 1, बी बार की जगह पर 0 और सी की जगह पर 1, ए बी सी कोई भी बार नहीं है, मतलब 1 1 1 ये आ गया। अब क्या ये नंबर जो आपको दिख रहे हैं, क्या ये बाइनरी नंबर्स हैं? जी हां, इन बाइनरी नंबर्स को क्या डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे आप? बहुत आसान है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 2 4 1 2 4 1 2 4 इनके नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी पहले वाले का क्या आ जाएगा, 1 2 और 4 प्लस करेंगे यानी 7, ये वाला 7 हो गया, 1 2 4, 1 और 4 को प्लस करने पर क्या मिलेगा, 5, 0 वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 2 4, 1 और 2 को प्लस करने पर क्या मिलेगा, 3, 1 2 4, 1 और 4 तो 0 है, 2 वाला यहां आ गया, और 1 2 4 यानी सब क्या हो जाएंगे, 0। तो आपको क्या मिल गया, 0 2 3 5 7। ये 0 2 3 5 7 क्या है, मिन टर्म, यानी हमें मिन टर्म मिल चुका है 0 2 3 5 7। और मिन टर्म को कैसे दिखाते हैं, वाया दिस सिंबल, यानी यहां पर आपका क्या शो होगा, मिन टर्म को स्मॉल m से शो किया जाता है और समेशन का मार्क लगता है। तो समेशन स्मॉल m, दैट इज कॉल्ड मिन टर्म 0 2 3 5 7। अब मिन टर्म से क्या मैक्स टर्म निकाल सकते हैं? जी हां, मैक्स टर्म का मतलब होता है जो नंबर्स यहां पर मिसिंग है वो मैक्स टर्म हो जाएंगे। तो इसमें क्या क्या नंबर मिसिंग है जरा देखो, 1 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, तो 1 4 और 6 ये बन जाएगा आपका मैक्स टर्म। समझ में आ गया ना, 0 है, 0 के बाद क्या आएगा, 1 1 लिख दिया, नहीं है इसमें, 2 गिवन है, 3 गिवन है, 4 नहीं गिवन है, 4 आ गया, 5 गिवन है, 6 गिवन नहीं है, 6 आ गया, तो ये बन गया मैक्स टर्म। यही तो आंसर आपसे पूछ रहा था कि मिन टर्म क्या होगा और मैक्स टर्म क्या होगा, और मैक्स टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, पाई कैपिटल एम, मिन टर्म को डिनोट करते हैं सिग्मा से और स्मॉल एम से, जबकि मैक्स टर्म को इंडिकेट करते हैं पाई से और कैपिटल एम से। ये बन गया 1 4 6, दैट इज द आंसर। है ना, प्रीवियस वाले में देख लो, ऑप्शन में क्या गिवेन था, 0 2 3 5 7 1 4 6, यही तो आया। इसको कैलकुलेट करने के बाद समझ में आ गया ना कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक बार फिर से समझो। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन गिवेन होगा उस एक्सप्रेशन में हमें एसओपी निकाल लेना है, और एसओपी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी सी को 1 मान लेंगे, ए बार बी बार सी बार को 0 मान लेंगे, और अब एक्सप्रेशन में वो वैल्यूज को पुट कर देंगे। फिर इसके बाद जो ये बाइनरी नंबर आएगा इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, ये मिन टर्म हो गया, और जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, मैक्स टर्म, दैट इज द मैक्स टर्म। है बिल्कुल आसान। अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। वही है ना क्वेश्चन जो अभी देखा था, बस एक्सप्रेशन चेंज है, क्वेश्चन सेम है, करो प्रैक्टिस, बताओ आंसर, पॉज करो वीडियो को तुरंत, बताइए आंसर क्या होगा। हो गया, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कन्वर्ट एसओपी एक्सप्रेशन टू मिन टर्म एंड मैक्स टर्म, एसओपी अभिव्यक्ति को न्यूनतम अवधि और अधिकतम अवधि में बदलें। कैसे करेंगे, सेम वैसे ही,
आपका आंसर क्या आया होगा, मिनटर्म बराबर 3, 4, 5, 6, 7 और मैक्सटर्म बराबर 0, 1, 2, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। कैसे किया होगा आपने, आइए देखते हैं। हमें एसओपी एक्सप्रेशन गिवेन है, मिनटर्म और मैक्सटर्म फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं एसओपी का मतलब क्या होता है मिनटर्म, और मिनटर्म का मतलब क्या होता है ए बराबर वन और ए बार बराबर जीरो के। तो जहां पर ए बार बी बार सी बार है वहां जीरो कर देंगे, जहां ए बी सी गिवेन है वहां वन कर देंगे। तो अब आपने एक्सप्रेशन के नीचे इन वैल्यूज को लिखा होगा और कुछ इस तरीके से आ गया होगा। ये बाइनरी नंबर्स थे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, और डेसिमल में कन्वर्ट करने पर आपको क्या मिला होगा, 3, 4, 5, 6, 7। ये आपका क्या हो गया, मिनटर्म। बचे हुए नंबर्स क्या हो जाएंगे, मैक्सटर्म। क्या बचा हुआ है, जीरो से शुरू होगा, तो जीरो मैक्स हमेशा कहां से शुरू होगा, जीरो से। तो जीरो हो गया, जो नहीं है वन नहीं है, टू नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7 गिवन है। तो आंसर क्या मिल गया, 0, 1 और 2, ये मैक्स टर्म हो गया और ये मिन टर्म हो गया। यही तो पीछे ऑप्शन में था, देखिए मिन टर्म 3, 4, 5, 6, 7 और मैक्स टर्म 0, 1, 2, दैट इज द राइट आंसर। बोलो क्या अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे, और ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, फ्री के नंबर हैं, लेकिन ये फ्री के नंबर उसी को मिलेंगे जिसने प्रैक्टिस की होगी, है ना। जिसने इस क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं होगा वो कहेगा पता नहीं कैसे करेंगे, एसओपी एक्सप्रेशन को मिन टर्म और मैक्स टर्म में कन्वर्ट कैसे करें, पता ही नहीं होगा। तो दैट इज द वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डज पॉलीमॉर्फिज्म स्टैंड फॉर। हम लोग जानते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म किसका पार्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, अ क्लास दैट हैज 4 फॉर्म्स, अ क्लास दैट हैज 2 फॉर्म्स, अ क्लास दैट हैज ओनली अ सिंगल फॉर्म, अ क्लास दैट हैज मेनी फॉर्म्स, या ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मेकिंग मोर देन वन फॉर्म, एक से ज्यादा फॉर्म्स को बनाना ही पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉली का मतलब ही क्या है, मैनी। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा अ क्लास दैट हैज मैनी फॉर्म्स, यानी ऑप्शन नंबर 4th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू एड द हेडर फाइल इन C++ प्रोग्राम। बताओ मुझे, C++ प्रोग्राम में हेडर फाइल जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सिंटेक्स है, हैश इंक्लूड यूजर डिफाइंड डॉट एच, या हैश इंक्लूड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यूजर डिफाइंड डॉट एच, या इस तरीके से, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ दिस। हम लोग जानते हैं कि C++ प्रोग्राम में हैश इंक्लूड किस लिए हम लोग यूज करते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिए। हैश इंक्लूड एक तरीके से लाइब्रेरी का काम करता है जिसके अंदर हेडर फाइल्स होती हैं, इनपुट आउटपुट वाली फाइल्स होती हैं। तो पहला भी बिल्कुल सही है और दूसरा भी बिल्कुल सही है, यानी इस तरीके से भी लिख सकते हैं और दूसरे वाले मेथड के तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इस केस में कैंडिडेट गलती क्या करते हैं, पहले वाला चूज कर लेते हैं, उनको लगता है सिर्फ पहला ही तरीका सही है, जबकि लिखने का दूसरा तरीका भी बिल्कुल सही है। तो बोथ 1 एंड 2 ऑप्शन इज करेक्ट, मींस मोर देन वन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तीसरा वाला गलत है, लेकिन पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू प्रिंट द मैसेज इन C++ लैंग्वेज। C++ भाषा में संदेश को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सिंटेक्स है, बहुत आसान है। पहला सी आउट हेलो वर्ल्ड, दूसरा सी आउट सी कैपिटल है हेलो वर्ल्ड, तीसरे में आउट गिवन है, मोर देन वन ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा सिर्फ पहला, सी आउट छोटे से और हेलो वर्ल्ड और सेमी कॉलन, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वे टू गिव द आउटपुट। तो आउटपुट के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सी आउट का। इनपुट के लिए किसका यूज करते हैं, सी इन का। ये बात तो आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आइडेंटिफायर इन C++। बहुत फेमस क्वेश्चन और बिल्कुल सेम टू सेम आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। बताइए मुझे, C++ में निम्नलिखित में से कौन सा सही पहचान करता है, सही आइडेंटिफायर है। पहला डॉलर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, दूसरा वेर अंडरस्कोर 123, वेर नेम
एट द रेट, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। क्या आइडेंटिफायर में स्पेशल सिंबल यूज हो सकते हैं? जी नहीं, यानी ना तो डॉलर का यूज हो सकता है ना तो एट सिंबल का। तो यानी पहला भी गलत हो गया और तीसरा भी गलत हो गया। क्या नंबर्स का यूज हो सकता है? जी हाँ। क्या एड अंडरस्कोर का यूज हो सकता है? जी हाँ। तो अंडरस्कोर का यूज भी हो सकता है, नंबर्स का यूज भी हो सकता है और अल्फाबेट का यूज भी हो सकता है। तो इसका मतलब दूसरा सबसे सही आंसर बनेगा, यानी सेकंड इज द राइट वन। अब आइडेंटिफायर के जो नियम है वो याद रखिएगा, क्या क्या है। पहला नियम कहता है कि इट में कंटेन अपर केस, लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर ओनली। कह रहा है अपर केस हो सकते हैं कैपिटल में, लोअर केस लेटर हो सकते हैं स्मॉल में, डिजिट्स हो सकती हैं यानी नंबर्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकता है। दूसरे में ये सभी चीजें मिल रही हैं। इट ऑलवेज स्टार्ट ओनली विद नॉन डिजिट करेक्टर। कह रहा है कभी भी आइडेंटिफायर नंबर से शुरू नहीं हो सकता, नॉन डिजिट करेक्टर ही होना चाहिए। नॉन डिजिट होना चाहिए मतलब नंबर्स नहीं होने चाहिए, कोई ना कोई करेक्टर होना चाहिए। इट शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल करेक्टर। कह रहा है कभी भी आइडेंटिफायर में कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं हो सकता, ना तो डॉलर हो सकता है ना एट द रेट का साइन हो सकता है, है ना। तो ये अगर आपको नियम मालूम होंगे तो आपने सही आंसर लगाया होगा। नेक्स्ट, इन सी प्लस प्लस मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर डैश बाय डिफॉल्ट एंड मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्ट आर डैश बाय डिफॉल्ट। अगेन वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन। कह रहे सी प्लस प्लस में किसी वर्ग के सदस्य डिफॉल्ट रूप से कैसे होते हैं और इस संरचना के सदस्य डिफॉल्ट रूप से कैसे होते हैं? तो हम जानते हैं सी प्लस प्लस में जो मेंबर्स होते हैं क्लास के वो कैसे होते हैं, प्राइवेट, और जो मेंबर्स होते हैं स्ट्रक्ट यानी स्ट्रक्चर के वो कैसे होते हैं, पब्लिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन वन, प्राइवेट एंड पब्लिक। ये क्वेश्चन बदल के भी पूछ लेते हैं कि मेंबर ऑफ अ क्लास सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, प्राइवेट। सिर्फ मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट, तो आंसर होगा पब्लिक। तो इस एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन भी बना देते हैं। मैंने इन दोनों को कंबाइन करके आपसे पूछा ताकि आपको ये याद रहे कि मेंबर्स ऑफ अ क्लास प्राइवेट होगा और मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्ट क्या होगा, पब्लिक होगा, बाय डिफॉल्ट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली चेक द अंडरफ्लो कंडीशन इन अ क्यू। बताओ क्यू डेटा स्ट्रक्चर में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कतार में अंडरफ्लो स्थिति की सही जांच करती है। अंडरफ्लो कंडीशन का मतलब क्या होता है, एम्प्टी कंडीशन, कि क्यू हमारी खाली है और फिर भी हम कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, उसी को तो अंडरफ्लो बोलेंगे। तो अंडरफ्लो कंडीशन में हम कंडीशन चेक करते हैं कि क्यू खाली तो नहीं है, और क्यू अगर खाली होगी तो क्या होगा, फ्रंट और रियर का मान क्या होगा, बताओ मुझे। एम्प्टी के केस में हम आपको बता चुके हैं कई बार कि फ्रंट और रियर बराबर माइनस वन के होता है, तो आंसर क्या होगा, फ्रंट बराबर माइनस वन और रियर बराबर माइनस वन। लेकिन रियर माइनस वन तो गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर कि फ्रंट बराबर माइनस वन के। समझ में आया, अंडरफ्लो कंडीशन का मतलब एम्प्टी कंडीशन, और एम्प्टी कंडीशन का मतलब क्यू जब खाली होगी तो फ्रंट और रियर का मान क्या होगा, माइनस वन, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी होस्ट कैन बी कन्फिगर्ड यूजिंग अ सबनेट मास्क दिस वन। सबनेट मास्क 255.255.255.240 का उपयोग करके कितने होस्ट कन्फिगर किए जा सकते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि सबनेट मास्क अगर कभी भी क्वेश्चन में गिवन हो और होस्ट पूछा जाए कि कितने सर्वर या कितने होस्ट कन्फिगर हो सकते हैं, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या सभी ऑक्टेट में 255 गिवन है, नहीं, आखिरी वाले ऑक्टेट में 255 नहीं है, कितना कम है, 255 माइनस 240 यानी 15 कम है, और 15 माइनस 1 एरर चेकिंग के लिए, तो आंसर क्या हो गया, 14, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। क्या ये बात समझ में आई, सभी ऑक्टेट कितने होने चाहिए सबनेट मास्क में, 255,
आखिरी वाला ऑक्टेट कितना कम है माइनस करके देख लो, 15, और 15 में से एक माइनस करेंगे एरर चेकिंग के लिए, तो आंसर क्या मिलेगा 14, दैट इज द राइट वन। नेक्स्ट, इन अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर दिस कंडीशन मींस, क्यू डेटा संरचना में इस स्थिति का क्या अर्थ है बताओ मुझे। फ्रंट बराबर 0 के और रियर बराबर 2 के। फ्रंट बराबर 0 का मतलब एक एलिमेंट है और रियर बराबर 2 का मतलब दो एलिमेंट पीछे की तरफ है। अगर फ्रंट में एक है और रियर में 2 हैं तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए 3। अगर फ्रंट -1 होता इसका मतलब एम्प्टी होती है ना, फ्रंट बराबर -1 और रियर बराबर -1 का मतलब क्यू क्या है एम्प्टी, और फ्रंट बराबर 0 का इसका मतलब क्या कि क्यू में एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट फ्रंट में है और रियर का मतलब 2, यानी 2 एलिमेंट पीछे हैं, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, यानी 3 एलिमेंट्स इन अ क्यू, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देख लीजिए, फ्रंट में आपका 20 है एक एलिमेंट, रियर यानी बैक साइड में आपके 2 एलिमेंट्स हैं 30 और 40, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए दैट इज 3 एलिमेंट्स इन अ क्यू, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, क्यू कैन बी यूज टू इंप्लीमेंट, कह रहे क्यू का उपयोग किसको कार्यान्वित करने के लिए किया जाता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज कहां करते हैं, डीएफएस में, बीएफएस और रेडिक्स सॉर्ट में, रिकर्शन में, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज दो जगह किया जाता है, एक ब्रेथ फर्स्ट सर्च यानी बीएफएस फाइंड करने के लिए और दूसरा रेडिक्स सॉर्ट को करने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा BFS, breadth first search और Redix sort को implement करने के लिए किसका use करेंगे, Q data structure का। Next, when one element is added to Q, the value of front and rear is, बताइए, जब कतार में एक तत्व जोड़ा जाता है तो आगे और पीछे का मान क्या होगा। कह रहा मान लीजिए कि Q empty है, Q खाली है, तो क्या होगा -1 फ्रंट और रियर का मान। लेकिन कह रहा है उस खाली क्यू में अगर एक एलिमेंट जोड़ेंगे तो फ्रंट और रियर का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। एलिमेंट अगर एक होगा तो फ्रंट और रियर का मान कितना होगा 0, तो करेक्ट आंसर क्या होगा दैट इज 0। यस, इंडेक्स देखिए, अगर आपने एक एलिमेंट ऐड किया तो फ्रंट और रियर का मान क्या है 0 है। यही तो अभी डिस्कस किया था कि एक एलिमेंट का मतलब फ्रंट और रियर 0 है और क्यू एम्प्टी का मतलब फ्रंट और रियर -1 है ना, ये दो बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, इन क्यू इंसर्शन हैपन एट द डैश एंड, कह रहे क्यू में जो इंसर्शन होगा वो कहां से होगा। हम जानते हैं कि क्यू में लोग इंसर्ट कहां से होते हैं, पीछे से, पीछे से ही तो क्यू में लोग लगेंगे और आगे से बाहर निकलेंगे, तो इंसर्शन कहां से होगा पीछे से, और पीछे को क्या बोलते हैं रियर, यानी करेक्ट आंसर इज रियर। अगर क्वेश्चन में यह पूछ रहा होता कि क्यू में डिलीशन कहां से होगा, तो क्यू में डिलीट लोग कहां से होंगे आगे से, और आगे का मतलब क्या होता है फ्रंट, यानी ऑप्शन हो जाता है 2। यस, वेरी गुड। अ क्यू इज ऑल्सो कॉल्ड अ डैश सिस्टम, कह रहा है कतार या क्यू किस प्रकार की प्रणाली में गिना जाता है। क्यू क्या है, जो पहले आएगा पहले पाएगा, जो आखिरी में आएगा वो आखिरी में जाएगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी सही है और लास्ट इन लास्ट आउट भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन 1 और 3, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बोलो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, जो आखिरी में आएगा वो आखिरी में जाएगा, यही तो कहती है क्यू, यानी द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन लास्ट आउट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन में यूज अ स्टैक, कह रहे जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है उसका यूज कहां पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन स्टैक का प्रयोग करता है। स्टैक का मतलब कि हमेशा इंसर्शन ऊपर से होगा और डिलीशन भी ऊपर से होगा, फ्रॉम द टॉप, यस दैट इज कॉल्ड स्टैक। जो भरेंगे वो ऊपर से भरते जाएंगे और अगर निकालना होगा तो वो भी ऊपर से ही निकालेंगे, यही तो स्टैक है। पर स्टैक का यूज कहां करते हैं, रिकर्शन में, जी हां, कॉल करने के लिए फंक्शन को, दैट इज कॉल्ड रिकर्शन, है ना, कॉलिंग इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड रिकर्शन, सही है। पार्सिंग के लिए, जी हां,
ब्राउजर की हिस्ट्री को देखने के लिए, जी हाँ, यानी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ये सभी आंसर आपके क्या है, सही है। वह प्रक्रिया जिसमें प्रोग्राम कोड एक निश्चित अनुभागों के समान तरीके से दोहराता है उसे रिकर्शन बोलते हैं। रिकर्शन का मतलब द प्रोसेस इन विच द प्रोग्राम रिपीट अ सर्टेन सेक्शन ऑफ अ कोड इन अ सिमिलर वे, दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव। रिकर्शन का मतलब कॉलिंग इटसेल्फ या अपने आप को दोहराना, दैट इज कॉल्ड रिकर्शन। पार्सिंग का मतलब ब्राउजर में जो आगे और पीछे जाते हैं हम, बैक और फॉरवर्ड जाते हैं, पार्सिंग। ब्राउजर की हिस्ट्री को देखते हैं, वो भी स्टैक है, तो इन सभी में स्टैक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक, स्टैक के शीर्ष का दूसरा नाम क्या है। हम जानते हैं स्टैक के टॉप को क्या बोला जाता है, पुश या पॉप, हम कहां से करेंगे, टॉप से। लेकिन टॉप का जो दूसरा नाम है वो क्या है, पीक। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब आप देख भी सकते हैं कि जो टॉप ऑफ द स्टैक है उसको हम लोग कई बार क्या बोल देते हैं, पीक ऑफ द स्टैक। तो टॉप और पीक का मतलब क्या है, सिमिलर है। पीक की स्पेलिंग कई बार पी डब्ल्यू के भी लिखते हैं और कई बार पीई ए के भी लिखते हैं, तो ये दोनों ही स्पेलिंग यहां पर करेक्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट, इन अ स्टैक वी कैन एक्सेस द एलिमेंट, एक स्टैक में हम तत्व तक कैसे पहुंच सकते हैं, बताइए स्टैक में हम क्या करेंगे। विच इज एंटर्ड एट बिगिनिंग फ्रॉम एनी पोजिशन, विच इज एंटर्ड एट लास्ट, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। एक्सेस करने का मतलब निकालना, डिलीट करना। तो हम स्टैक में जो डिलीट करते हैं, जो एक्सेस करते हैं एलिमेंट्स को, वो टॉप से करते हैं। क्या कहीं दिया हुआ है फ्रॉम द टॉप, जी हाँ, विच इज एंटर्ड एट लास्ट, जो लास्ट में एंटर किया जाएगा उसको पहले निकाल लेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आई बात, जो आखिरी में इंसर्ट करेंगे उसको पहले निकाल लेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैक विच इज एंटर्ड एट लास्ट। नेक्स्ट, x प्लस वाई कैन बी रिटन एज एक्स वाई प्लस, दिस इज कॉल्ड, कह रहा है x प्लस वाई को एक्स वाई प्लस के रूप में लिखा जा सकता है। ये क्या है, ये क्या है, x प्लस वाई का मतलब इनफिक्स और एक्स वाई प्लस का मतलब पोस्टफिक्स। तो ये जो एक्स वाई प्लस है, क्या ये पोस्टफिक्स है, जी हाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पोस्टफिक्स। लेकिन रुक जाओ, क्या पोस्टफिक्स को रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं, जी हाँ, पोस्टफिक्स को रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो आपको याद क्या रखना है कि प्रीफिक्स का मतलब पॉलिश नोटेशन पीएन, और पोस्टफिक्स का मतलब रिवर्स पॉलिश नोटेशन यानी आरपीएन भी इसको बोलते हैं। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, आएगा ही आएगा, एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करिए और बताइए आंसर क्या होगा। ए बी प्लस सी डी माइनस मल्टीप्लाई, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन गिवेन है, इस एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करिए। प्रीफिक्स का मतलब कि जो ऑपरेटर हैं वो पहले आ जाने चाहिए। प्रीफिक्स में क्या होता है कि जो ऑपरेटर होते हैं वो पहले आ जाते हैं। क्या ये जरूरी है कि सभी के सभी ऑपरेटर पहले आ जाएं? ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये आपको अरेंज करना होगा स्टैक के फॉर्मेट में और फिर डिसाइड करना होगा कि कौन सा ऑपरेटर कहां पर आता है, लेकिन प्रीफिक्स ऑर्डर में करना होगा। कैसे करेंगे, आइए करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि किस ऑपरेटर की हायरार्की क्या है, किसकी प्रायोरिटी क्या है। तो यहां पर कितने ऑपरेटर क्वेश्चन में गिवन है, 3 ऑपरेटर, प्लस माइनस और एस्ट्रिक। सबसे पहले किसकी होती है प्रायोरिटी, मल्टीप्लाई की, और मल्टीप्लाई के बाद किसकी होगी, प्लस की, फिर माइनस की, है ना। प्लस माइनस की तो सेम होती है, लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें तो पहले प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं। तो इसका मतलब पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस को सॉल्व करेंगे और फिर माइनस को सॉल्व करेंगे, यही तो है। आइए करते हैं। हमने क्या किया, अगर मल्टीप्लाई को सबसे पहले सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई को अलग कर दिया हमने, ब्रैकेट में कर दिया ए बी प्लस सी डी माइनस, और मल्टीप्लाई बाहर कर दिया।
इस मल्टीप्लाई को क्या करेंगे, प्रीफिक्स यानी पहले लेकर आएंगे, पहले लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई ए बी प्लस सी डी माइनस। कोई बदलाव हमने किया, सिर्फ मल्टीप्लाई को पहले ले आए, बाकी ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि प्लस किसके साथ में था, ए बी के साथ में, तो ये एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, और माइनस किसके साथ में था, सी डी के साथ में, तो ये एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब किसको सॉल्व करना है, प्लस को, फिर किसको सॉल्व करना है, माइनस को, तो प्लस को पहले ले आइए, लेकिन किसके पहले, इस ऑपरेंड के पहले, ए बी के पहले आ जाएगा प्लस, तो क्या बन जाएगा, प्लस यानी पहले मल्टीप्लाई प्लस ए बी, और सी डी माइनस ऐसे ही। अब माइनस को कहां ले आइए, सी डी से पहले, इस ऑपरेंड से पहले, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस ए बी माइनस सी डी, यही तो आंसर है, यानी दिस इज द आंसर, मल्टीप्लाई प्लस ए बी माइनस सी डी। तभी मैंने बोला था आपसे कि प्रीफिक्स का यह मतलब नहीं है कि सारे के सारे ऑपरेटर पहले आ जाएं, ना, स्टैक के अकॉर्डिंग जब आप अरेंज करेंगे तो वो ऑपरेटर आपको पहले अरेंज करना है, दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स। क्या ये बात समझ में आई, एक बार फिर से देख लो कैसे किया फटाफट से। सबसे पहला आपने काम क्या देखा कि इसमें कितने ऑपरेटर यूज हुए हैं, तीन ऑपरेटर, तीन ऑपरेटर में सबसे पहले किसको करेंगे, मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को, तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई को सबसे पहले ले गए, ये आ गया, फिर प्लस को इन दोनों से पहले ले गए, क्या आ गया, ये आ गया, फिर माइनस को इन दोनों से पहले ले गए, क्या आ गया, ये आ गया, तो एस्ट्रिक प्लस ए बी माइनस सी डी, दैट इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट इज द राइट। नेक्स्ट, अगर समझ में आ गया है करना तो जरा इसको अपने आप करो, क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, एक और एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करिए। क्या प्रीफिक्स का मतलब यह होता है कि सभी ऑपरेटर पहले आ जाएं, जी नहीं, स्टैक पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, ये हायरार्की आपको याद रखनी है, तो पहले किसको करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस, ये तीन ऑपरेटर यहां पर यूज हो रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एस्ट्रिक को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड, एस्ट्रिक को डिवाइड की जो हायरार्की है, जो प्रेफरेंस है, वो सेम है, यानी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट का मतलब पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, और फिर लास्ट में प्लस को सॉल्व करेंगे, यही तो है। आइए करते हैं इसको सबसे पहले, तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है और फिर डिवाइड को, तो हमने कहा मल्टीप्लाई और डिवाइड का जब एक ही लाइन में ही है तो इसको एक साथ कर लेते हैं, तो हमने इसको इस तरीके से बंद कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई किसके साथ में है, ए बी के साथ में, और डिवाइड किसके साथ में है, सी डी के साथ में, तो इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लिया ताकि कोई गलती ना हो हमसे। अब इसको प्रीफिक्स में ले जाएंगे, तो एस्ट्रिक आ जाएगा ए बी से पहले और डिवाइड आ जाएगा सी डी से पहले, बाकी ऐसे ही रहेगा। तो मल्टीप्लाई ए बी आ गया और सी डी पहले चला गया, यानी डिवाइड पहले चला गया, तो डिवाइड सी डी आ गया और प्लस बाद में रहा। अब क्या करना है, प्लस को छेड़ना है। अब प्लस को कहां लेकर आएंगे, प्रीफिक्स में, और बाकी एक्सप्रेशन ऐसे ही रहेगा, है ना, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो प्लस आ गया पहले और क्या बन गया, मल्टीप्लाई ए बी डिवाइड सी डी, ब्रैकेट को खोल सकते हैं, खोल लीजिए, प्लस एस्ट्रिक ए बी डिवाइड सी डी, दैट इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज द राइट वन। एक बार अगर आपने बदलाव कर दिया तो फिर दोबारा आप उसको छेड़ेंगे नहीं, वो पोजिशन फिक्स हो जाती है, है ना। फिक्स होने का मतलब क्या है, जैसे आपने ए बी एस्ट्री को सी डी डिवाइड था, है ना, और प्लस था, अगर आपने इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई पहले आ गया। अब ये मल्टीप्लाई पहले आने का मतलब ये पोजीशन फिक्स हो गई, अब ये बदलेगी नहीं। डिवाइड को आप पहले ले आए तो ये पोजीशन क्या हो गई, फिक्स हो गई, बदलेगी नहीं। अब प्लस को पहले लेकर आना है, तो जब ये दोनों पोजीशन आपकी फिक्स हैं तो प्लस कहां पर आएगा, बिल्कुल पहले, और ये पोजीशन आपकी ऐसे ही रहेंगी। अब इसको आप खोल भी सकते हैं, प्लस एस्ट्रिक ए बी डिवाइड सी डी, यानी ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज द राइट वन। समझ में आया, तो एक बार यस सर लिख के बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 3D इंटीजर एरे इंट एरे 458 कैन स्टोर अ टोटल ऑफ डैश एलिमेंट्स, एलिमेंट्स पूछा है, एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाइट्स पूछा होता तो इंटीजर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते,
है ना, याद रखिएगा, अगर बाइट्स में पूछा जाएगा तो इंटीजर की वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा, बाय डिफॉल्ट जो इंटीजर की वैल्यू होगी 4 बाइट है ना, उससे भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर एलिमेंट्स पूछे जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 20 और 20 × 8 कितना हो गया 160, यानी 160 इज द करेक्ट आंसर। इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि 160 है। वेरी गुड। अब देखो 1D एरे, 2D एरे और 3D एरे में डिफरेंस क्या होता है ना, जरा समझो। 1D एरे का मतलब लिस्ट, ये 1D हो गया। 2D एरे का मतलब रोज एंड कॉलम्स, ये 2D एरे हो गया। और जब 3D एरे की बात करते हैं, जिसको मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं, वहां पर रोज भी होता है, कॉलम्स भी होती हैं, इसके साथ में हाइट और विथ भी होती है। अगर हम हाइट और विथ को भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे या 3D एरे। ये बात समझ में आई। चलो अब जरा मुझे बताओ, पेयर ऑफ डैश ब्रैकेट आर यूज टू डिक्लेयर 2D एरे इन जावा या C++, कुछ भी हो सकता है। कह रहे 2D एरे को डिस्कस करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम लोग जानते हैं एरे की जब भी बात की जाएगी, 2D एरे की बात की जाएगी तो रोज एंड कॉलम्स की बात की जाएगी। और यहां पर हम एलिमेंट्स को किस में रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, मैक्सिमम डैश डायमेंशंस कैन बी गिवन टू मेक 2D एरे। 2D एरे बनाने के लिए अधिकतम कितने आयाम दिए जा सकते हैं, कितने डायमेंशंस दिए जा सकते हैं, 8 8, मैक्सिमम 255 255, 16 या 16, या देयर इज नो लिमिट, या नन ऑफ दीज। तो एरे के अंदर जो डायमेंशंस हैं वो कितने भी हो सकते हैं, है ना, इसकी कोई लिमिट तो है नहीं। तो आंसर क्या होगा, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, यानी 4th इज द करेक्ट वन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी फेमस वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरे विद इन एरे इन जावा या इन C++, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे विद इन एरे का मतलब क्या है, 2D एरे, एरे के अंदर एरे का मतलब रोज और उसके साथ में कॉलम्स, दैट इज कॉल्ड 2D एरे, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 2D एरे। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एरे, कह रहे एरे का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा फायदा क्या है एरे का। ऑब्जेक्ट ऑफ मिक्स डेटा टाइप कैन बी यूज, क्या एरे में मिक्स डेटा टाइप, अलग अलग तरीके के डेटा टाइप प्रयोग हो सकते हैं, जी नहीं, एक ही तरीके के डेटा टाइप्स का प्रयोग होगा एरे में, है ना, ये बात आपको पता है। एलिमेंट्स इन एन एरे कैन नॉट बी सॉर्टेड, क्या एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज 1, ना, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज 0, है ना, जो पहला एलिमेंट का इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा, तो ये भी गलत है। इजियर टू स्टोर एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप, जी हाँ, एरे में जो डेटा टाइप होगा वो कैसा होगा, होमोजीनियस होगा, सेम होगा, तो करेक्ट आंसर है सेम डेटा टाइप, दैट इज कॉल्ड द एडवांटेज ऑफ एरे, यानी 4th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट, कह रहा है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, जरा देखो और बताओ। void main int a4 5 6 7 8, print f percentage d का मतलब इंटीजर, a1 यानी पहला इंडेक्स 50 नंबर पर आएगा, 6 एक नंबर पर आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 6, दैट इज द राइट वन। तो 0 पर 5, 1 पर 6, 2 पर 7 और 3 पर 8, है ना, दैट इज द इंडेक्स नंबरिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ एरे, बहुत फेमस क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सरणियों का व्यापक उपयोग करती है, एरे का सबसे ज्यादा यूज कहां होता है, बाइनरी ट्री में, शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस में, कैशिंग में, स्पेशल लोकेलिटी में, या ऑल ऑफ दीज में। छपा हुआ क्वेश्चन है, आएगा जरूर, थैंक यू बोल दीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि एरे का सबसे ज्यादा यूज कहां करते हैं, एड्रेस में, यानी स्पेशल लोकेलिटी के केस में। एरे का यूज स्पेशल लोकेलिटी का मतलब क्या होता है, लोकेलिटी का मतलब होता है एड्रेस, और स्पेशल लोकेलिटी का मतलब उसके आसपास के एड्रेस को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, स्पेशल लोकेलिटी का। आइए जरा इसको और अच्छे से समझते हैं। कह रहे द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल लोकेलिटी मीन्स,
ये क्या बोलता है, दैट इफ अ प्रोग्राम एक्सेस वन मेमोरी एड्रेस, अगर कोई प्रोग्राम एक मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर रहा है तो ये बहुत ज्यादा चांस बनेगा, देयर इज अ गुड चांस दैट इट विल आल्सो एक्सेस नियर बाय एड्रेस, कि वो आसपास के एड्रेस को भी एक्सेस कर पाए, ये भी तो चांस है। अगर हम एरे का यूज करके एक एड्रेस को फाइंड आउट करते हैं तो क्या उसके आसपास के एड्रेस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं? जी हां, दैट इज कॉल्ड स्पेशल लोकेलिटी। क्योंकि हम जानते हैं एरे का मतलब क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कॉन्टिजियस मैनर में डेटा को स्टोर करना, दैट इज कॉल्ड एरे। तो इसका मतलब अगर एक एलिमेंट का एड्रेस हमें मिल गया तो क्या उसके नियर बाय एड्रेस को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं? जी हां। तो स्थानिक स्थानीयता यानी स्पेशल लोकेलिटी का मतलब क्या है, का सिद्धांत यह कहता है कि यदि कोई प्रोग्राम एक मेमोरी पते तक पहुंचता है, एक मेमोरी एड्रेस तक पहुंचता है, तो इस बात की अच्छी संभावना है, अच्छी पॉसिबिलिटी है कि वे आसपास के अन्य पते तक भी पहुंचे, दैट इज कॉल्ड स्पेशल लोकेलिटी। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश रिप्रेजेंट मल्टीपल डेटा आइटम इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, एक सूची के रूप में एकाधिक डेटा आइटम की प्रतिनिधित्व कौन करता है? मल्टीपल डेटा आइटम्स का मतलब टू डायमेंशनल एरे की बात कर रहे हैं, यानी रोज एंड कॉलम्स की बात कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है, आइटम। आइटम का मतलब होता है लिस्ट, है ना, याद रखिएगा। जब कभी भी क्वेश्चन में लिस्ट की बात की जाएगी तो आंसर 1D एरे होगा, लेकिन कैंडिडेट जल्दी में क्या लगा देते हैं, 2D एरे। हम लोग जानते हैं 2D एरे कब होगा, जब रोज एंड कॉलम्स की बात हो रही होगी। अगर सिर्फ रोज की बात होगी तो वो एक लिस्ट है, सिर्फ एक कॉलम्स की बात होगी तो वो लिस्ट है। तो लिस्ट का मतलब या तो रोज या तो कॉलम्स, पर हम मान के चलते हैं कि लिस्ट का मतलब सिर्फ रोज होती है, और सिर्फ रो का मतलब 1D एरे, रोज एंड कॉलम्स का मतलब 2D एरे, और रोज एंड कॉलम्स के साथ में कोई और डायमेंशन भी हो तो वो मल्टी डायमेंशनल यानी 3D एरे को शो करेगा। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। डैश रिप्रेजेंट मल्टीपल डेटा आइटम इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल की बात हो रही है, दैट कंटेन कॉलम्स एंड रोज, टेबल का मतलब रोज एंड कॉलम्स, और रोज एंड कॉलम्स का मतलब 2D एरे। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर क्वेश्चन में लिस्ट दिया होगा तो 1D एरे होगा। डैश रिप्रेजेंट मल्टीपल डेटा आइटम इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, मल्टीपल का मतलब कई सारी रोज की बात हो सकती है, मल्टीपल लिस्ट, मल्टीपल डेटा आइटम, दैट इज कॉल्ड 1D एरे। पर अगर टेबल्स की बात की जाएगी, रोज एंड कॉलम्स की बात की जाएगी, तो आंसर क्या होगा, 2D एरे। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी हेल्ड बाई एन एरे, a-3:10, 5:12, बताओ। ये क्वेश्चन गेट लेवल का क्वेश्चन है और एरे का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, है ना। और आप जानते हैं कि प्रीवियस बीपीएससी 1.0 2.0 में कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो गेट लेवल के भी पूछे गए, और एरे का ये बहुत फेमस क्वेश्चन है गेट का, जो हर बार आता है, है ना, और बीपीएससी भी ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल है। कह रहा है हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी हेल्ड बाई एन एरे, दिस वन, इस एरे में कुल वैल्यूज कितनी है, कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला याद रखिएगा, बाद वाला माइनस पहले वाला प्लस वन। फिर से बोलिए मेरे साथ, बाद वाला माइनस पहले वाला प्लस वन। फिर से बोलिए, बाद वाला माइनस पहले वाला प्लस वन। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। -3:10 मतलब इसमें बाद वाला क्या है, 10, माइनस पहले वाला यानी माइनस का माइनस 3 और प्लस का 1। एक बार देखिएगा, 10 यानी बाद वाला, माइनस पहले वाला, पहले वाला मतलब माइनस का माइनस 3 और प्लस का 1, क्या आ जाएगा, 10 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 14। 10, 3 और 1 को प्लस करने पर क्या मिल गया, 14। अब बाद वाला, दूसरा वाला देखते हैं क्या है, बाद वाला माइनस पहले वाला प्लस 1,
यानी 12 माइनस 5 प्लस 1, 12 माइनस 5 प्लस 1 क्या आ गया, 13 माइनस 5 यानी 8, बाद वाला माइनस पहले वाला प्लस 1, यही तो लग रहा है। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर ले लीजिए, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 112, दैट इज द आंसर। क्या ये बात समझ में आई? तो हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी हेल्ड बाय एन एरे, एरे में टोटल कितनी वैल्यूज होंगी ये कैसे पता लगाएंगे, बाद वाला माइनस पहले वाला प्लस वन। अब ऐसा किया क्यों हमने, यदि सरणी का आकार n है, अगर एरे का आकार n है तो अंतिम तत्व सूचकांक क्या होगा, n माइनस वन, है ना, क्योंकि जीरो से शुरू होता है तो क्या हो जाएगा, n माइनस वन। और प्लस वन क्यों करते हैं, इस वैल्यू को निग्लेक्ट करने के लिए, क्योंकि माइनस वन और प्लस वन कर दिया तो n आ गया ना, और हमें यही तो बताना है कि हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी हेल्ड बाई एन एरे, यानी n का मान हमें निकालना था, तो हमने क्या कर दिया, पहले वाला बाद वाला माइनस पहले वाला प्लस वन हो गया। इफ एन एरे है साइज n, अगर कोई एरे n साइज का है तो लास्ट एलिमेंट विल बी इंडेक्स एज n माइनस वन, तो n माइनस वन का मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला, और प्लस वन वैल्यू को निग्लेक्ट करने के लिए प्लस वन कर दिया और ये मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया 112। अगर समझ में आया तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाई, पॉज करिए वीडियो को और बताइए आंसर क्या आएगा। हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी हेल्ड बाई एन एरे, ए -4:9, 6:11 करो, आ गया, बल्ले बल्ले, समझ में आया, वेरी गुड। आपने क्या किया, सेकेंड माइनस वन, बाद वाला माइनस पहले वाला प्लस वन, फिर बाद वाला माइनस पहले वाला प्लस वन, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर दे दिया क्या, दैट इज 84, यही आया है ना, बिल्कुल डिट्टो चिपक के यही आंसर, बहुत बढ़िया। आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, टैलेंटेड तो हैं आप लोग, बस एक बार समझ में आ जाए फिर तो गलत आप नहीं करते, है ना, ये आपकी खासियत है, इसी खासियत को एग्जाम में बना के रखिएगा। आइए एक बार देखते हैं, बाद वाला यानी 9 माइनस पहले वाला यानी -4 प्लस 1, तो 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 14, फिर बाद वाला माइनस पहले वाला 11 माइनस 6 प्लस 1 यानी 12 माइनस 6 6, 14 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 84, दैट इज बल्ले बल्ले, समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन समझो, और ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, आएगा जरूर, आइए देखते हैं क्या है। कंसीडरिंग द साइज ऑफ फ्लोट वेरिएबल एज 4 बाइट, कह रहा है मान लीजिए कि फ्लोट जो वेरिएबल है वो कितने बाइट का है, 4 बाइट का, ठीक है मान लेते हैं। इफ बेस एड्रेस ऑफ एन एरे ऑफ फ्लोट इज 100, कह रहा है अगर बेस एड्रेस 100 है, देन द एड्रेस ऑफ फोर्थ सेल इज, तो चौथे सेल का एड्रेस बताइए, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो कहें बस वो सुन लो, है ना, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आ सकता है पूरी पूरी चांसेस हैं, और आ जाए तो थैंक यू बोल दीजिएगा वहीं पर कि सर आपने कहा था आएगा और आ गया, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे बीपीएससी में, बहुत ध्यान से देखिए। फ्लोट वेरिएबल के आकार को 4 बाइट्स मानते हुए यदि फ्लोट की एक सरणी का आधार पता 100 है तो चौथी सेल का पता क्या होगा, इसको कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले माना कि बेस वैल्यू क्या है 100, फ्लोट वेरिएबल कितने बाइट का है, 4 बाइट का, यानी जो डिफरेंस होगा वो कितने बाइट का होगा, 4 बाइट का, तो पहला अगर 100 है तो दूसरा क्या होगा 104, तीसरा क्या होगा 108, चौथा क्या होगा 112, और कितनी सेल तक जाना है, चौथी सेल तक, तो पहली सेल हो गई 100 जो कि बेस वैल्यू, दूसरी सेल हो गई 100 प्लस 4 104, तीसरी सेल हो गई 108 और चौथी सेल हो गई 112। यानी आप ये भी तो कह सकते हैं कि अगर हमने 100 बेस वैल्यू माना एड्रेस की और चौथी सेल तक जाना है तो पहला तो 100 हो गया, 3 सेल और कितने बाइट का डिफरेंस है, 4, तो 4 × 3 क्या हो गया 12, 100 प्लस 12 क्या हो गया 112, ओरल भी कर सकते हैं। बेस अगर 100 है तो
तो चौथी सेल का क्या होगा, चौथी का मतलब पहली तो 100 हो गई, इसके बाद तीन सेल और बची, तीन मल्टीप्लाई बाय चार क्या होगा 12, तो 100 प्लस 12 इज इक्वल टू 112, यही तो है। क्या ये समझ में आया? अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो अगले क्वेश्चन से फिर समझो। अगर आ गया तो इसका आंसर बताओ मुझे। कंसीडरिंग द साइज ऑफ फ्लोट वेरिएबल 4 byte, क्या रहा है साइज फ्लोट वेरिएबल का 4 byte है, ठीक है। इफ बेस एड्रेस ऑफ एन एरे इज 500, अगर बेस एड्रेस 500 है देन द एड्रेस ऑफ थर्ड सेल क्या होगा, अगर पहले सेल का 500 है तो दूसरे सेल का क्या होगा 4 byte से 504, और तीसरे का क्या होगा 508, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 508। डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो पहली सेल तो 500 हो गई आपकी, दो सेल और बची, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो गया 8, 500 प्लस 8 क्या हो गया 508, जैसे भी कर लो। बेस एड्रेस फर्स्ट सेल 500, दूसरे का क्या होगा 4 बाइट प्लस 4 कर दिया, तीसरा भी कितने बाइट प्लस जाएगा 4 बाइट 508, कितने सेल का पूछा था 3 सेल का, तो यानी आंसर क्या होगा 508, दैट इज द राइट। क्या ये समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और करो, पूरा समझ में आना चाहिए, कोई इफ बट नहीं होना चाहिए, है ना, तो एक और प्रैक्टिस कर लो। कंसीडर द साइज ऑफ फ्लोट वेरिएबल 2 byte, 2 byte का है, यानी जो गैप होगा सेल्स में वो कितने बाइट का होगा 2 byte का। इफ बेस एड्रेस ऑफ एन एरे ऑफ फ्लोट इज 300, अगर बेस 300 है तो एड्रेस ऑफ द फिफ्थ सेल क्या होगा, पहला सेल अगर 300 है तो चार सेल और बचे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 300 प्लस 8 क्या हो गया 308, दैट इज द राइट आंसर। तो ओरल भी कर सकते हैं, है ना, और लिखकर करना चाहे तो ऐसे भी कर लीजिए। पहला अगर 300 है बेस एड्रेस तो दूसरा क्या होगा 302, तीसरा क्या होगा 304, दो दो का गैप, चौथा क्या होगा 306, और फिर पांचवा क्या होगा 308, ऐसे कर लो। या फिफ्थ सेल अगर 300 है, यानी पहला बेस 100 है 300 है, तो कितने बचे चार सेल, चार सेल कितने बाइट के बराबर होंगे दो दो बाइट के बराबर, यानी गैप कितना होगा 4 2 8, तो 300 प्लस 8 दैट इज 308, है ना, ऐसे कर लीजिए। तो बस समझ में आना चाहिए, बाकी आंसर तो आप निकाल लेंगे, है ना, ये तो टैलेंट आप में है, वेरी गुड। अ डैश डेटा टाइप हैज 15 डेसिमल डिजिट ऑफ प्रिसीजन, बताइए एक डैश डेटा प्रकार में परिशुद्धता के 15.5 अंक क्या होंगे। डेसिमल में लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्लोट का, लेकिन अगर 15 डेसिमल डिजिट तक हमें लिखना है तो क्या फ्लोट काम करेगा? जी नहीं, क्या काम करेगा, फ्लोट का बड़ा भाई, और फ्लोट का बड़ा भाई क्या है डबल, यानी करेक्ट आंसर इज डबल। नेक्स्ट, द डेटा टाइप हैज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ -32768 एंड अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 32767, कैन स्टोर होल नंबर ओनली, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां डेटा प्रकार का न्यूनतम मान -32768 और अधिकतम मान 32767 है, इसका मतलब ये किसको पॉइंट कर रहा है, शॉर्ट को, ये नंबर जो रेंज है ये किसकी रेंज है, शॉर्ट डेटा टाइप की, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 राइट वन। तो ये रेंज याद कर रखिएगा कि जब भी -32768 दिया हो और प्लस का 32767 दिया हो तो ये रेंज किसकी होगी, शॉर्ट डेटा टाइप की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डज द एचटीटीपी प्रोटोकॉल वर्क ऑन, क्या रहा है एचटीटीपी प्रोटोकॉल निम्न में से किस परत पर काम करती है। हम जानते हैं एचटीटीपी का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एचटीटीपी काम करेगी किस पर, जो यूजर के बेहद करीब होगी, और यूजर के बेहद करीब कौन सी लेयर है, एप्लीकेशन लेयर। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, एप्लीकेशन लेयर, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। अब एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन सी प्रोटोकॉल आती हैं ये भी याद रखिएगा, एप्लीकेशन लेयर में वो प्रोटोकॉल्स आती हैं जो यूजर के बेहद करीब है, जैसे एचटीटीपी जो कि बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल है, एसएमटीपी जो मेल भेजने के लिए यूज की जाती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल, या पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3,
या टेलनेट जो कि रिमोट प्रोटोकॉल के नाम से फेमस है। तो ये सारी की सारी प्रोटोकॉल्स किस में आएंगी? एप्लीकेशन लेयर में। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल्स के नाम बताइए। HTTP, SMTP, FTP, DNS, POP और टेलनेट जो यूजर के बेहद करीब है। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस इज 32 बिट? निम्नलिखित में से कौन सा पता 32 बिट का है? हम जानते हैं IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का और MAC एड्रेस 48 बिट का। तो IPv4 एड्रेस की बात हो रही है और IP एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। क्या IP एड्रेस कहीं दिया है? नहीं। क्या लॉजिकल एड्रेस कहीं दिया है? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। रुक जाओ, क्या लॉजिकल एड्रेस या IP एड्रेस को कुछ और भी बोलते हैं? जी हां, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल एड्रेस। तो आंसर क्या बनेगा इस केस में? नन ऑफ दिस नहीं, बल्कि वर्चुअल एड्रेस इज द करेक्ट आंसर। तो IP एड्रेस के 3 नाम होते हैं, ये याद रखिएगा। IP एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं या वर्चुअल एड्रेस भी बोलते हैं। मैक एड्रेस को ईथरनेट एड्रेस, बर्नड इन एड्रेस, NIC कार्ड एड्रेस या फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो जितने भी सिनोनिम है एड्रेस के, ये सब अगर आपको पता होगा तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश इज द हार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय क्या है? सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स, CPU, कर्नल या शेल। जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड दे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करे, दैट इज कॉल्ड हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने का काम किसका है? कर्नल का। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? कर्नल दैट गिव्स कमांड टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, वॉट टाइप ऑफ वायरस यूजेस कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ? किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है? जब भी बात इटसेल्फ की होगी, यानी सेल्फ डिपेंडेंट, बिना यूजर के काम को करना, बिना यूजर के इंटरेक्शन के काम को करना, किसका काम है? वॉर्म का, यानी राइट वंस रीड मैनी, जो आत्मनिर्भर है, है ना, दैट इज कॉल्ड वॉर्म। तो करेक्ट आंसर इज वॉर्म। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स उसको बोलते हैं जो जिसका मेन काम क्या है? अपने आप को सही दिखाना लेकिन होता नहीं है। दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट इज कॉल्ड ट्रोजन। टाइम बम का मतलब जो स्पेसिफिक टाइम पर एग्जीक्यूट करे, टाइम बम। मेलिसा वायरस का मतलब जो सबसे हार्मफुल हो, जो सेकेंडरी स्टोरेज की फाइल्स को डिस्ट्रॉय करे, मेलिसा वायरस। मैक्रो वायरस का मतलब जो MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की फाइल्स को डिस्ट्रॉय करे, मैक्रो वायरस। तो जितने भी वायरस हैं, जितने भी रैंसमवेयर हैं, है ना, इनके बारे में आपको बढ़िया तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी, मैलवेयर, जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो 50 में से कितना स्कोर किया एक बार कमेंट करके बताइएगा, है ना। आज तो ज्यादा स्कोर होना चाहिए। क्या 45 प्लस हुए या नहीं बताइएगा। क्या सारे कॉन्सेप्ट समझ में आई या नहीं ये भी बताइएगा। और साथ ही साथ ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन भी है। क्या है? सिलेक्ट द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल चुने। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इंटरनेट का कौन सा है? TCP/IP, HTTP, UDP, FTP या DHCP? क्या होगा करेक्ट आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ कंप्यूटर को अगर आप बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हैं, BPSC एस्टेट लेवल एग्जाम को फोकस करते हुए, सारे अपडेट्स आपको मिले, जितने भी एग्जाम्स होंगे उनके सारे अपडेट्स, सब तरीके के क्वेश्चंस, सब तरीके के कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज थ्योरी आपको देखने को मिले, ताकि आप थ्योरी से कमांड बना पाएं, MCQ से रिवाइज कर पाएं, PDF से रिवीजन कर पाएं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप जुड़ सकते हैं इस कोर्स से। किसी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग, किसी डाउट के रिगार्डिंग,
दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बेस्ट 50 या 80 क्वेश्चंस के साथ, है ना। डिपेंड करेगा आपके कमेंट में आप क्या सजेस्ट करते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। और सिलेक्शन तक की जर्नी तक ही नहीं बल्कि टीचिंग कैसे करनी है ना, उसमें भी आपको सपोर्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।